आपने देखना शुरू कर दिया है बीआरजी न्यूज। दिन भर की बड़ी और अहम खबरों के साथ बीआरजी न्यूज रूम में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। बड़ौदा के निजी अस्पतालों में आज से कोरोना टीकाकरण हुआ शुरू। भाईलाल अमीन समेत बैंकर अस्पताल के संचालक मंडल, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने ली कोवैक्सीन की डोज। युवा बेरोजगारी पर शहर में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल, बेरोजगार हुंकार रैली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय स्वराज के चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी एक्शन में, मिस कॉल नंबर के जरिए आम जनता की शिकायतें सुनने की पहल की गई शुरुआत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे फेज में शहर के 6 प्राइवेट हॉस्पिटल के 600 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें ओपी रोड पर मौजूद बैंकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर दर्शन बैंकर और एमडी पारुल बैंकर ने भी टीकाकरण कराया। शहर में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे दौर में शहर के 6 प्राइवेट हॉस्पिटल के 600 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा। ओल्ड पाजरा रोड पर मौजूद बैंकर हॉस्पिटल में भी टीकाकरण की शुरुआत की गई। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर दर्शन बैंकर की उपस्थिति में इनके साथ एमडी पारुल बैंकर एवं वैष्णव आचार्य वृष कुमार जी की उपस्थिति में टीकाकरण का तीसरा दौर शुरू किया गया। वैष्णवाचार्य वृषराज कुमार के उपस्थिति में हॉस्पिटल के डायरेक्टर दर्शन बैंकर और एमडी पारुल बैंकर ने कोरोना वैक्सीनेशन कराया और लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने का अनुरोध किया। नमस्कार, आज अमरा माटे वडोदरा माटे गुजरात माटे अने देश माटे खूब ज गौरवनी बाबत छे के आपणे त्यां आ वेक्सिनेशन चालू थई गयुं छे, जे हजी दुनियाना मोटा भागना देशोमां वेक्सिन अवेलेबल ज नथी, तो એ ખૂબ જ ગૌરવની બાબત છે। હું અભિનંદન આપું છું ભારતના સાયન્ટિસ્ટને, રિસર્ચર્સને, ભારતની વેક્સિન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સને અને ભારત સરકારને કે જેમણે આના માટે ખૂબ જ પ્રયત્ન કર્યા અને જેના પરિણામ સ્વરૂપે આપણે વેક્સિનેશન ડ્રાઈવ ચાલુ થઈ ગયો છે। જ્યારે હજી કોરોનાની બીમારી અમેરિકા, યુરોપ, એડવાન્સ કન્ટ્રીઝ લાઈક જર્મની, યુકે, સ્પેન બધામાં રૌદ્ર સ્વરૂપે છે, લાખો લોકો મરી ગયા છે અને રોજના કેટલા સેંકડો લોકો મરી રહ્યા છે। મને આજે કોઈકે કીધું હમણાં જ કે લોસ એન્જલિસમાં એવરી 6 મિનિટે અત્યારે એક માણસ મરી રહ્યો છે કોરોનાની મહામારીથી, તો આપણા માટે ખૂબ જ ગૌરવની બાબત છે કે આપણે ત્યાં કંટ્રોલ તો થઈ ગયો છે આ બીમારી, પણ એની સાથે આપણા સૌને વેક્સિનેશનનો ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી છે। અને ગવર્મેન્ટે, કોર્પોરેશનના ડૉક્ટર્સે અહીંયા આગળ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાત, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ ખૂબ જ સરસ એનું આયોજન કર્યું છે, બહુ જ મેથોડિકલ છે। દેર ઇઝ અ કમ્પ્લીટ સોફ્ટવેર બેઝડ પ્રોગ્રામ છે જેનાથી અમને SMS આવે છે અને બધાને વેક્સિનેશન જે એમનો ટાઈમ હોય છે એ ટાઈમે મળે છે। સો ધીસ ઇઝ આઈ કોંગ્રેચ્યુલેટ ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ગુજરાત સરકાર, કોર્પોરેશન ઓફ બરોડા કે એમણે આ ડ્રાઈવ ચાલુ કર્યો છે। મારો મેસેજ ટુ એવરીબડી, વેન એવર યોર ટર્ન કમ્સ, પ્લીઝ ટેક વેક્સિન, બધાએ વેક્સિન લેવી જરૂરી છે। વડોદરા એક તો પહેલા ભાગ કોરોના ભાગ, કે આજે આપણા માટે બહુ સારો દિવસ છે કે જેનો આપણે ઇંતજાર હતો કે કોઈ ડેફિનેટ ટ્રીટમેન્ટ આવે કોવિડની, અને આજે એ ટ્રીટમેન્ટ આવી ગઈ છે। આજે અમે પહેલો ડોઝ મુકાવી દીધો છે અને એની માટે સિસ્ટમ ઇઝ પરફેક્ટ, અને એની માટે એ લોકોએ ફ્રન્ટલાઇન વોરિયર્સને પ્રાયોરિટી આપી છે કે અમે લોકો ફર્સ્ટ લિસ્ટમાં છીએ। એની માટે અમે બહુ આભારી છીએ ગવર્મેન્ટ ગુજરાત, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા અને એસ્પેશિયલી કોર્પોરેશનની ટીમે પણ ખૂબ જ અદ્ભુત કામગીરી કરી છે। અને બધાને એવું કહીશ કે આ એક વેક્સિન છે તો થોડી આડઅસર તો થશે, અમને બધાને એક્સપેક્ટેશન છે કે આજે અમને બધાને તાવ તો આવશે જ, પણ એનાથી ડરવાની જરૂર નથી। જ્યારે આપણી પાસે આ એક ટ્રીટમેન્ટ ઉપલબ્ધ છે તો આપણે ચોક્કસ લેવી જોઈએ, અને મેડિકલમાં તો હંમેશા કહે છે કે પ્રિવેન્શન ઇઝ બેટર દેન ક્યોર, સો લેટ્સ સે કે ભાગ કોરોના ભાગ। कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे दौर में भाईलाल अमीन हॉस्पिटल की एमडी बरखा अमीन ने कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण कराया, साथ ही लोगों को बताया कि वैक्सीनेशन उनके लिए सेफ है। शहर में कोरोना वैक्सीनेशन का तीसरा दौर शुरू हो गया है। आज वैक्सीनेशन के तीसरे दौर में 6 प्राइवेट हॉस्पिटल के
600 स्वास्थ्य कर्मचारियों का टीकाकरण किया जाएगा, जिनमें फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स मौजूद हैं। गोरवा समा कपुरई तरसाली और ओपी रोड पर मौजूद प्राइवेट हॉस्पिटल के कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया जाएगा। भाईलाल अमीन हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर बरखा अमीन ने घंटी बजाकर एवं कोरोना वैक्सीन देकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जहां भाईलाल अमीन हॉस्पिटल के 100 स्वास्थ्य कर्मचारियों का भी टीकाकरण किया जाएगा, जिसके लिए हॉस्पिटल एवं नगर पालिका द्वारा टीकाकरण के लिए व्यवस्था किया गया। अस्पताल की मैनेजिंग डायरेक्टर बरखा अमीन के साथ डॉक्टर वीसी चौहान, जनरल सेक्रेटरी ऑफ वडोदरा हेल्थ सर्विस एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन राजेश अय्यर ने कोरोना वैक्सीनेशन का टीकाकरण कराया। इन सब ने टीकाकरण करा के लोगों का मनोबल बढ़ाया, साथ ही संदेश दिया कि वैक्सीन सुरक्षित है, इससे उन्हें खतरा नहीं है। तमारू टर्न जयरे आवे वैक्सीन लेवा तो चौक्स लेजो। आई बिलीव दैट वैक्सीनेशन इज द ओनली स्टेप फॉरवर्ड आ कोविड 19 पेन्डेमिक एंड करवा माटे। आई थिंक वैक्सीनेशन इज द ओनली होप, एटले इट इज द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। दिस यर आ वर्ष हेज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल हेल्थ केर वर्कर्स। वी हेव स्ट्रगल थ्रू अप्स एंड डाउन्स, बहु बधा स्ट्रगल्स थी आपणे अहींया सुधी पहोंच्या छे। आई बिलीव दैट वैक्सीनेशन इज एन द ओनली होप टू एंड दिस पेन्डेमिक। सो एटले मैं भी आजे आ वैक्सीन लीधुं छे। हमणा हेल्थ केर वर्कर्सनू वैक्सीनेशन ड्राइव अहींया भाईलाल जनरल हॉस्पिटलमां चाली रह्युं छे। When it comes time to taking the vaccine, tame bhi please chokas vaccine lejo. शहर के यूथ कांग्रेस की ओर से बेरोजगार हुंकार रैली आयोजित की गई थी, जो कांग्रेस कार्यालय से नर्मदा भवन तक पहुंची, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल थे। बहुत ही जल्द बड़ौदा शहर में स्थानीय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसकी तैयारी सारी राजनीतिक दल जोरों शोरों से कर रही है। इसी के चलते सारे राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं और सार्वजनिक संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बड़ौदा शहर कांग्रेस यूथ द्वारा लकड़ी पुल कांग्रेस कार्यालय से प्रभारी हेमंत ओगले और सह प्रभारी मोहम्मद शाहिद के संचालन में हुंकार रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली के दौरान सह प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि भारत में बेरोजगारी का दर 2020 में 7.22% था, जिसमें वृद्धि होकर 10% हो चुका है। हमारा उद्देश्य है जो लाखों युवा बेरोजगार गुजरात में हैं, उनकी आवाज़ को लेकर, उनकी मांग, रोजगार की मांग को लेकर आज हम यहां से यात्रा करते हुए बेरोजगार कार्यालय में जाकर उनकी आवाज़ को अधिकारियों के समक्ष रखेंगे और मांग करेंगे कि वो सरकार तक बेरोजगार युवाओं की आवाज़ पहुंचाए। सिर्फ उस कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कर लेने से समाधान नहीं होगा। अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं कि यहाँ पे बेरोजगार कार्यालय है, रोजगार हेतु आप वहाँ पे अपना पंजीकृत कराइए, और पंजीकृत कराने के बाद आप रोजगार देने में असक्षम है, तो ये आपको समझना होगा कि या तो वो कार्यालय बंद कर दें और या तो रोजगार देना शुरू कर दें। साथ ही में यूथ कांग्रेस दल के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा सरकार नए रोजगार उत्पन्न करने में हमेशा विफल रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने से पहले 2 करोड़ नौकरियां प्रदान करने का वादा भी किया था, जिसमें वह असफल रही है। आज इस रैली में युवा कांग्रेस अध्यक्ष असफक मलिक सहित कई सारे कार्यकर्ता शामिल हुए थे। रोज वडोदरा शहर युवक कांग्रेस द्वारा बेरोजगार हुंकार रैली काढवामां आवी रही छे। बेरोजगार हुंकार रैली काढवानो उद्देश्य एक ज छे के देशनी अंदर कोरोना आव्या बाद देशनी अंदर युवानो खूब ज बेरोजगार थया छे। दिवसे दिवसे उद्योगो रद्दाओ बंध थता जाय छे अने लोको बेरोजगार थता जाय छे, युवानोनी हालत कफोड़ी थती जाय छे, युवानो हताशामां पड़ता जाय छे, अने सरकार द्वारा रोजगारी वधे एवा कोई प्रयत्नो करवामां आवता नथी। तो सरकार ने जगाड़वा माटे रोजगार अधिकारी रोजगार कचेरी में जाइने बेसी रहे, एसी ऑफिसों में पर कोई काम करतु नथी। ते रोजगार अधिकारी शू प्रयत्नो करी रहा छे, एमणे रोजगारी वधारवा लक्षी कया कार्यक्रमों बनाव्या छे आगामी दिवसों में, अने लोको सुधी एनो लाभ पहुंची रह्यो छे के नहीं, ए जाणवा अने लोकोने जगाड़वा
रोजगार अधिकारियों जे निद्रा अवस्था में है एमने जगाड़वा माटे आ कार्यक्रम करवामां आवे छे। रोजगार हुंकार रेली काढ़ी है, अमे लोको कोंग्रेस कार्यालय थी रोजगार कचेरी सुधी चालता रेली स्वरूपे जवाना छे। शहर में यातायात के लिए चल रही विटकोस बस के ड्राइवर और कंडक्टरों ने आने वाले समय में हड़ताल पर जाने की बात कही है। उन्होंने जलमहल बस स्टैंड पर आने वाली असुविधाओं को लेकर संचालक को आवेदन पत्र सौंपा, जिसमें हड़ताल की बात कही गई है। बड़ौदा में यातायात के लिए चल रही विटकोस बस के ड्राइवर समेत कंडक्टरों ने आने वाले दिनों में हड़ताल पर जाने की बात आज कही थी। दरअसल इन कर्मियों की कुछ परेशानियों का हल नहीं निकलने पर ये हालात पैदा हुए हैं। जनमहल स्थित नए बस स्टेशन में सिटी बस का संचालन शुरू कर दिया गया है, पर इन कर्मियों के लिए वहां जरूरी सुविधाएं नहीं है। करीबन 150 बसों का परिचालन इन दिनों में हो रहा है, तब 200 से 250 कर्मियों को दोपहर का खाना खाने की कैंटीन सुविधा इस नए परिसर में मौजूद नहीं है। वहीं राज्य परिवहन की बस की आवाजाही के साथ सिटी बस के प्रवेश और निकास का एक ही मार्ग होने पर दुर्घटना का जोखिम रहने की बात भी इन कर्मियों ने कही थी। विनायक सिटी बस नो कर्मचारी अने अमारी मांग ए छे के एक तो अमने अहींथी त्यां ट्रांसफर करे पण अमारे पार्किंग नी सेवा नथी, बीजू के जमवा माटेनी कैंटीन नो कोई सगवड नथी, अमे जमवा माटे भी बहु तकलीफ थाय, एक तो 500,000 पेसेन्जरो होय, हवे अमे त्यां खुल्लामां जमवू पड़े आती, बीजू के त्यां आगळी जे गवर्नमेंट एसटी बस पेली निकळे छे एनी अमने बहु वीक छे, कारण के अमारे गाड़ी लईने आवू अने ए लोकोने स्पीडमां निकळवू, કાલુડીને અકસ્માત કંઈ થાય તો અમે તો બધા પ્રાઇવેટ એ છે તો અમારે બહુ અઘરું પડે એવું છે અને તકલીફવાળું કામ છે। જો અમને એક વસ્તુ છે કે તકલીફ તો બહુ જ છે એમાં બી, કારણ કે જે બસ એન્ટર થયા પછી જે સ્ટેન્ડમાં લાગે એ જે ક્રોસમાં સ્ટેન્ડ બનાવ્યા છે એની બી અમને તકલીફ છે, કારણ કે રિવર્સ મારે બરાબર 2-3 વખત અમને રિવર્સ મારીને લેવું પડે, પાછળ પેસેન્જર ઊભું રહેલું હોય આ તે, અને બીજું મેઇન વસ્તુ તો અમને ત્યાં ગવર્મેન્ટ એસટી જે નીકળે છે એની બીક છે, અમે પાછળ રિવર્સ મારતા હોય તે વખતે એ લોકો એકદમ સ્પીડમાં નીકળે છે ને એ છે, કોઈ કંટ્રોલ નથી એ લોકોનો રોકવાનો આજે બરાબર, એટલે એની અમને બહુ તકલીફ થાય છે। બીજું જમવાનું આજે અમારા 150-300 વર્કર છે બરાબર અમારા સ્ટાફમાં, એ લોકોને જમવાની બહુ તકલીફ છે, જમે ક્યાં આગળ, આજે 1,050 માણસો અહીંયા આવર જવર કરતા હોય ઊભા હોય તો ત્યાં બહાર ખુલ્લામાં તો જમી નથી શકવાના। तब ऐसे कई मुद्दों पर विटकोस बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने आने वाले दिनों में अगर उनकी ये परेशानियां हल नहीं हुई तो हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। वहीं इन सभी कर्मियों की परेशानियों को जल्द हल करने की बात भी विटकोस बस के संचालकों की ओर से कही गई है। हमारी यहाँ विनायक सिटी बस से इना ड्राइवर कंडक्टर हमारे जूना है बहु अने अमे जमवानी अने रहेवानी बधी व्यवस्था आपीए छीए અને અત્યારે અમે આવેદનપત્ર આપેલું છે કે ભાઈ અમે તમારા જૂના કર્મચારી હોવાથી અમે તાત્કાલિક હડતાલ પાડતા નથી, કોઈ પબ્લિકને કે કોઈને અમે બાનમાં લેવા માગતા નથી, એટલે અમે તમને આવેદનપત્ર દઈએ છીએ કે ભાઈ 3 દિવસ નાનું નિરાકરણ લાવી દો। એ લોકોની પહેલી તો મેની છે કે જે અમે જમવાની સુવિધા આપીએ છીએ, જે હાલનું જૂનું સિટી બસ સ્ટેન્ડ છે એમાં અમારે ઉપર કેન્ટીન છે, ત્યાં અમારો 400 જણનો સ્ટાફ ડ્રાઈવર કંડક્ટરને ઓફિસ સ્ટાફ બધો જમે છે, તો એની માટેનું કેન્ટીન છે તો આ ફરતી કોટ થવાની હોવાથી અમારે એ કેન્ટીન બંધ કરવી પડશે અને એને આવવા જવા મુશ્કેલી પડે। નંબર 2 કે ત્યાંથી અહીંયા આવે છે જે એ ત્યાં બસ મૂકીને અહીં આવે એટલે 10-15 મિનિટ અત્યારે વહી જાય છે, તો એની માટે એમ કે છે બસ અહીંયા પહેલાં અંદર રાઉન્ડ મારતી મારવા દે તો અમે બપોરે જમી લઈએ, એટલે જમવાનું અમારે સુવિધા ચાલુ રીતે કરો। બીજું કે અંદર જે આ જનમેલ છે એની અંદરથી એસટી અને ઓલવો નીકળે છે, તો એમ કે ભાઈ અવારનવાર તકરાર થઈ છે ડ્રાઈવરો સાથે અને અમારે બે ગાડી ઘરે એક્સિડન્ટ થશે અડી જશે તો કોર્ટ કચેરીના અમારે ધક્કા થશે, પછી ગાડીનું અંદર જે સિટી બસ જનમેલ છે એમાં આપણે અંદર બસ મૂકવાની હોય છે, ગોઠવવાની હોય છે પેસેન્જર માટે, પછી રિવર્સ લઈને બહાર કાઢવાની હોય છે, તો એ લોકો એ તૈયાર નથી કે અમે સ્ટેન્ડમાં અંદર લઈને પછી રિવર્સ લઈને બહાર લઈ તો કોઈ કાલહવારમાં જાનહાની થાય તો અમારું લાઇસન્સ કેન્સલ થાય અને અમારી રોજીરોટી છીનવાય છે, એટલે અમે આ સીધી બસ મૂકશું, આટલી બધી બસ રહેવું નથી, તો અમને આ પહેલાં તો એસટીની અંદરથી એન્ટ્રી બંધ કરાવો, જેથી કરીને અમારે તકલીફ પડશે। બીજું કે સવારનું જે રાત્રિનું પાર્કિંગ છે તો સવારમાં અમને સમય વધારી દો કે જે રાત્રે પાર્કિંગ થાય છે એ બસ કાઢતા અમને 15-20 મિનિટ વહી જાય છે અને અંદર વચમાં બસ પડી હોય તો બહાર કાઢીએ, અને જનમેલમાં અત્યારે 50-55 બસ રહેવું છે, બહારની બધી બસો આપણી બહાર રહેશે, આપણી પાસે 160 બસ ચલાવીએ છીએ પણ અત્યારે હાલમાં કોરોનાને લીધે 120-125 બસ ચલાવીએ છીએ, તો એમ કે જે બસો વધશે ત્યાં હજી અમને તકલીફ પડશે, એના માટે એને આવેદન દીધું। બીજું એનું કાર જે બાઇક પાર્કિંગ, બાઇક પાર્કિંગનો સવાલ છે એમ કે ભાઈ અત્યારે તો અમે નીચે મૂકીએ છીએ, કાલ હવારમાં એ ચાર્જેબલ કરશે તો અમે ચાર્જ ક્યાંથી ભરીએ, જેથી કરીને અમને બાઇક ક્યાં મૂકશું એની બાહે ધરી આપો કે એ ચાર્જ નહીં લે,
અને અમને સમય વધારી દો અને એસટીની આ સેવા અંદરથી બંધ કરો અને આ જમવાની, એટલી એની માંગણીઓ હાલમાં છે. आज शहर में आम आदमी पार्टी की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया, जिसकी जानकारी देने के लिए पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया. वडोदरा शहर में आज आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन जेतलपुर रोड पर इंडिया बुल्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था, जिसमें गुजरात के प्रभारी रोमी भट्टा जी, गुजरात प्रदेश प्रवक्ता किरण आचार्य और मध्य क्षेत्र गुजरात की प्रवक्ता श्रीमती प्रतिमा व्यास की उपस्थिति में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आने वाले स्थानीय चुनाव को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी ने पानी, लाइट, सीवरेज और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अपने एक नए संदर्भ में चुनाव लड़ने की बात कही. आज हमें वडोदरा शहर गुजरात माटे एक मिस कॉल हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर्यो छे, जेना थकी ए नंबर थकी अमारी साथे आम जनता जोड़ाई शके आसानी थी, अने कैंडिडेट जेने इलेक्शन लड़वू हो ए पण अमारी साथे संपर्क में रही शके, अमने संपर्क इजीली करी शके, एना माटे अमे जे नंबर लॉन्च कर्यो छे आज एना माटे छे. अने सिवाय भी कैंडिडेट अमे ऑलरेडी अत्यारे બે લિસ્ટ જાહેર કરી દીધા છે, અને હવે ત્રીજું આજે મિટિંગ પછી, જીએસસીની મિટિંગ પછી અમે લોકો ત્રીજું લિસ્ટ એક બે દિવસમાં જાહેર કરીશું. તો એના સંદર્ભમાં આજે પ્રેસ મિટિંગ હતી. આજ કા કાર્યક્રમ હમ લોગોને એક મિસ્ડ કોલ નંબર લોન્ચ કિયા હૈ આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાત કે લિયે, આમ આદમી પાર્ટી વડોદરા કે લિયે. जो भी साथी एक स्वच्छ राजनीति को पसंद करते हैं, जो साथी स्वच्छ राजनीति में अग्रणी आके उम्मीदवार की भूमिका निभा सकते हैं, उन सब के लिए ये नया नंबर हमने लॉन्च किया है आज. मेरा ये मानना है कि आम लोगों के बिना, स्वच्छ लोगों के बिना कोई भी राजनीति में अच्छा नहीं कर सकते. आज तक जो भी रिवायती पार्टियाँ हैं, कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, उन लोगों ने यहाँ पर आम जनता को खूब लूटा है. और कांग्रेस ने, बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि कोई विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, कांग्रेस ने भी मिलके भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और आम लोगों को जमकर लूटा है. भारतीय जनता पार्टी का गढ़ तो ढह गया है. अभी मैं कल तीन जिलों में मीटिंग करके आया हूँ, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं, आदिवासी एरियों में हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं. तो मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब गढ़ गढ़ नहीं रहा, ये ढह गया है. बस अभी तक लोग बदलाव तो चाहते थे, लेकिन होता क्या था कि लोग भाजपा के विरोध में कांग्रेस को वोट करते थे और कांग्रेसी इतने बिकाऊ हैं कि हर बारी वो बदल के फिर वापस भारतीय जनता पार्टी में चले जाते थे. तो इस वजह से लोग अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस करते थे. पहली बार लोगों के सामने एक अच्छा और साफ सुथरा विकल्प है और इस बारी लोग ये मौका नहीं गंवाएंगे. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका बीआरजी न्यूज में. एकता ग्रामीण विकास मंच की ओर से बुलेट ट्रेन को लेकर पंडिया ब्रिज के निवासियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया.
आज बड़ोदरा शहर में एकता ग्रामीण प्रजा विचार मंच के अंतर्गत पंड्या ब्रिज के आसपास के निवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में रामधुन के साथ आवेदन किया। बुलेट ट्रेन के लिए संपादित जमीन, दुकान और मकानों को उचित मुआवजा न मिलने की मांग को लेकर आज स्थानीय निवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर रामधुन के साथ सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। स्थानीय निवासियों ने कहा कि क्षेत्र में क्षेत्र का बाजार मूल्य स्पष्ट नहीं है और निवासियों को मुआवजा या घरों के निर्माण के साथ पुनर्वास के तहत किसी अन्य स्थान के आवंटन के बारे में सरकार द्वारा कोई आश्वासन भी नहीं दिया गया है। स्थानीय निवासियों के अनुसार जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक बुलेट ट्रेन परियोजना में भूमि अधिग्रहण पर कब्जा नहीं देने की मांग जारी रहेगी। देशना वडाप्रधान श्री नरेंद्र मोदीनो स्वप्नानु बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जे छे एनी अंदर वडोदरा शहर ना रहीसो नानावटी चाली, शंकरवाड़ी अने फरांजीनी चाली ना रहीसोनी घर अने दुकान संपादन थाय छे। अबे एनु योग्य वर्तर आपवानी अंदर सरकार संपूर्ण फेल गई छे। मुख्य वस्तु ये छे पोस विस्तार में आवेली जग्याना 7000 बधु घंटा 7000 रुपया आपवानी वात करे छे ए वात साथे अहींना रहीसो सम्मत नथी अने खास के 2013 ना कायदा प्रमाणे कोई गाम उपरथी बुलेट ट्रेन के कोई योजना माटे जमीन संपादन थाय तो एमने पुनर्वसन पुनर्स्थापन करवानी सरकार ने जवाबदारी छे। ए जवाबदारीमांथी छटकी जवा मागे छे। आ लोको सम्मति एवोर्ड करवा तैयार छे, पूरतू वर्तन आपवामां आवे ने सोशियल इम्पेक्ट एसेसमेंट, एनवायरमेंट इम्पेक्ट एसेसमेंट नो रिपोर्ट आपी अने सोशियल इम्पेक्ट एसेसमेंट ना अनुसंधान में खेडूतों ने 5 लाख रुपया आप्या छे। एक खेडूत ने एक खातादीत आ लोकोने मकान बांधवा माटे जग्या आपे ने मकान बांध्या लेने प्राथमिक तमाम सुविधा आपे ए मागणी माटे अहीं आव्या छे अने पूरतू वर्तर ए 25,000 रुपये फूटनी के 3,000 रुपये फूटनी जगह न होय 10,000 रुपयानी उपरनी जगह छे अने जो कॉर्पोरेशन एने 25 के 3,000 में आपवा मांगती होय बुलेट ट्रेन में तो हूँ आजे 1 लाख रुपया 1 लाख फूट जमीन त्यां आगर खरीदवा तैयार छे, मने दस्तावेज करी आले सरकार। એટલે આ લોકોને પૂરતું વર્તન નથી આપતા। સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ, એન્વાયરમેન્ટ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ અને પુનર્વસન પુનર્વસવાટનો પ્રશ્ન સરકાર હલ નથી કરી શકી એના વિરોધની અંદર 21 નું તમામ હિયરિંગ પૂરું થયા છતાં પણ કોમ્પિટન્ટ ઓથોરિટી દ્વારા સંમતિ એવોર્ડમાં કેટલા પૈસા આપવાના છે એની પણ સ્પષ્ટતા નથી કરી એ હેતુસર આજે અહીં આગળ આવ્યા છે અને જો 10,000 રૂપિયા ફૂટના ભાવે એમના પૈસા ગણીને આપી દે અને સોશિયલ ઇમ્પેક્ટ એસેસમેન્ટ એટલે કે પુનર્વસન પુનર્વસવાટ બાબતે ચોખ્ખાઈ ચોખવટ કરે ત્યાં જઈને તો એ લોકો બુલેટ ટ્રેનમાં જગ્યા હાલશે ને નહીં કરે તો પહેલાં હું સૂઈ જઈશ બુલડોઝર આગળ ને પછી આ લોકો સૂઈ જશે। शहर के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में DSW स्कॉलरशिप के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए AGSU ग्रुप की ओर से रजिस्ट्रार को आवेदन पत्र दिया गया। हर साल विश्वविद्यालय की ओर से MS यूनिवर्सिटी के कॉमर्स फैकल्टी में DSW फॉर्म खोला जाता है ताकि सभी छात्र स्कॉलरशिप फॉर्म भरकर स्कॉलरशिप प्राप्त कर सके, लेकिन आधा वर्ष खत्म होने पर भी DSW फॉर्म पेश नहीं किए गए, इसलिए AGSU ग्रुप के USG राकेश पंजाबी ने DSW ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो इसकी मांग करते हुए MS यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर KM चुड़सामा को आवेदन पत्र भेजा है। आज रोज यूनिवर्सिटी हेड ऑफिस खाते हम लोग रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र आपवामां आव्या हता, कारण के आ वर्ष दरमियान जे पण बे भाग में बे सेमेस्टर में फी उघरावी छे एमां DSW ना पैसा यूनिवर्सिटीए लीधा छे। यूनिवर्सिटी द्वारा एवी जाहेरात करवामां आवी हती क्यांक ने क्यांक जे छापावामां छपाई हती कि आ वर्षे DSW नी स्कॉलरशिप नथी आपवामां आवानी, एटला माटे यूनिवर्सिटी जोड़े स्पष्टता मांगवा आव्या हता अमे आजे अहींया कि जे विद्यार्थीओए बधा ज विद्यार्थीओए जे फंड आपवानुं छे 100 रुपया लेखे एक सेमेस्टरना એ યુનિવર્સિટીમાં જમા થઈ ગયું છે ફી લેખે, તો પછી DSW સ્કોલરશિપ મધ્યમ વર્ગે અને ગરીબ વર્ગના પરિવારોને કેમ ના મળે જ્યારે યુનિવર્સિટી ઓફલાઈન બોલાવીને બધાને ફોર્મ સબમિટ કરાવી શકે છે, બધી પ્રોસેસ ઘણી બધી છોકરાઓને લાઈનો લગાવી શકે છે, તો જ્યારે યુનિવર્સિટી આપવાનું છે તો પછી એ પ્રકારના બહાના કેમ બનાવે છે? એટલે રજિસ્ટ્રાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે 2020-21માં જે છોકરાઓ ભણે છે એમને DSW ની સ્કોલરશિપથી વંચિત નહીં રહી જાય
એમને સ્પષ્ટપણે સ્કોલરશીપ મળશે અને ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારના જે DSW દર વર્ષે મળે છે વિદ્યાર્થીઓને એ હંમેશા મળતી જ રહેશે. आने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर खादी ग्राम उद्योग में तैयारियां शुरू हो चुकी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस साल 50% तक बिक्री कम होने की आशंका जताई जा रही है. कोरोना महामारी के समय में भारत देश का गणतंत्र दिन आने वाला है, तब खास करके राष्ट्रीय त्योहारों पर खादी की चीजें लोग खरीदना और इस्तेमाल करना पसंद करते हैं. बात करें खादी ग्राम उद्योग की तो धीरे धीरे ही सही पर कुछ बिक्री नजर आ रही है. 20 जनवरी प्रसंगे अमे अहीं ध्वज लेवाया छे खादी ग्राम उद्योग खाते अने दर वर्षे एनुं मान वधारवा माटे अने प्रसंग करवा माटे अमे मांगीए छे एटले किशन ग्लोरी बिल माथी अमे आया छे. कोरोना के चलते स्कूल परिसर समेत कई संस्थाने फिलहाल बंद है, तब गणतंत्र दिवस पर कोई विशेष कार्यक्रम कोरोना गाइडलाइन के तहत आयोजित नहीं होने वाले. खादी ग्राम उद्योग के संचालकों की माने तो इस साल खादी के सामान के स्टॉक को 50% ही मंगवाया गया है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% ही व्यापार होने का अंदाज जताया जा रहा है. तब इस गणतंत्र दिवस पर नागरिक ज्यादा खादी के प्रति झुकाव रखे, इसलिए कई स्कीम भी खादी ग्राम उद्योग लेकर आया है. वडोदरा जिला खादी ग्राम उद्योग भवन कोठी रावपुरा में दर वर्षे 15 ऑगस्ट 26 जानुआरी में જે રાષ્ટ્રીય તહેવારો ઉજવાય છે, અમારે ત્યાં બધી જ સાઇઝના ઓલરેડી ધ્વજ હોય છે. 14x21 મોટા મોટો ધ્વજ આવે છે, 8x12 આવે છે, 2x3 આવે છે, 3x4.5 આવે છે. બધી જ સાઇઝના નાની મોટી કાર ફ્લેગ આવે છે, પછી એની ટેબલ પર મૂકવાના ફ્લેગ આવે છે, બધા જ આવે છે. પણ આજે કોરોનાની મહામારીમાં સ્કૂલો ચાલુ નથી, ત્યારે સ્કૂલોમાં જો વેચાણ થાય તો સ્કૂલોનું વેચાણ બંધ છે. એટલે મોટા મોટા જે 26 જાન્યુઆરીએ જે ઉજવાતું હતું એ અત્યારે ઉજવવાની કોઈ સંભાવના નથી. એના માટે અમે 50% સ્ટોક આગળનો હતો અને 50% માલ આ વખતે મંગાવ્યો છે. અત્યારે અમારી ખરીદી ધ્વજની 4 લાખ રૂપિયાની છે. ગઈ સાલ અમે 8 લાખ રૂપિયાની ખરીદી કરી હતી અને એનું વેચાણ પણ સારું થયું હતું, અને એવી પણ આશા છે કે આ સાલ પણ વેચાણ સારું થાય. અને બધા ખાદી ભવન 4 વડોદરા જિલ્લામાં 4 ભવન આવેલા છે, ત્યાંનું લગભગ 11 લાખ રૂપિયા જેવું વેચાણની ધારણા કરેલી. શહેર કે વાઘોડિયા રોડ વિસ્તાર મેં સ્પીડ ફોર્સ સંસ્થા કે 10વે આઉટલેટ કી શરૂઆત કી ગઈ, જિસમેં કઈ મહાનુભાવ ઉપસ્થિત રહે થે. इस भागदौड़ भरी जीवन शैली में नागरिकों को अपने दोपहिया वाहनों की देखभाल करने की चिंता से निजात दिलवाने भारत में एक संस्था कार्यरत है. 2011 से स्पीड फोर्स नाम की संस्था पूरे देश के 22 राज्यों में कार्यरत है, जो नागरिकों को दोपहिया वाहनों की सर्विस के लिए कई सुविधाएं दे रही है. आज स्पीड फोर्स संस्था की 107वीं और बड़ौदा की 10वीं आउटलेट का आरंभ वाघोड़िया रोड पर किया गया. स्पीड फोर्स के संचालक सदस्यों समेत महानुभावों की उपस्थिति में इस आउटलेट को आज शुरू किया गया. સ્પીડ અમે લોકો સ્પીડ ફોર્સ કંપનીમાંથી છે. અમારી જે કંપની જે છે 107મા આઉટલેટ બરોડા ખાતે ઓપનિંગ કરવામાં આવેલું છે. અમારી કંપની જે છે 2011માં એસ્ટાબ્લિશ થઈ હતી અને 2017ની અંદર અમે લોકો ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસમાં આવેલા છે. આ વર્ષની અંદર અમારું ટાર્ગેટ મોર ધેન 200 છે અને અમારો જે મેઇન બિઝનેસ છે ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસ છે, જેની અંદર અમે અમારા કસ્ટમર્સ એટલે કે જે અમારા ફ્રેન્ચાઇઝી ઓનર છે અમે એમને બિઝનેસ કઈ રીતે કરો, કઈ રીતે આગળ વધવું, કઈ રીતે પ્રોફિટમાં લાવો એ બધું વિશે અમે એમને આખું સમજાવીએ છીએ. એ અમારો એક પ્રોડક્ટ છે, અમારી મોડલ છે એક અમારું. ઓલરેડી વી આર ઇન 22 સ્ટેટ્સ અમારું છે આઉટલેટ બધી જગ્યાએ, ને આ 107મો આઉટલેટ છે ને બરોડા ખાતે આ 10મો આઉટલેટ છે. બરોડા આજે અમારો આઉટલેટ છે એ વાઘોડિયા રોડ ખાતે નારાયણ સ્કૂલની નજીકમાં આવેલ છે અને અમારા ત્યાં અહીંયા ટુ વ્હીલરને લગતી દરેક સુવિધા ઉપલબ્ધ છે, જેમ કે પિકઅપ એન્ડ ડ્રોપ જે બહુ અત્યારે નેસેસરીઝ છે, એના સિવાય નોર્મલ બાઇક, એક્ટિવા, પ્રીમિયમ બાઇક દરેક ટુ વ્હીલર્સની સર્વિસ ઉપલબ્ધ છે. એમાં અમે પિકઅપ એન્ડ ડ્રોપ, બ્રેકડાઉન સર્વિસ અને જે જરૂરિયાત છે એ દરેક સર્વિસ અહીંયા ઉપલબ્ધ કરાવીએ છીએ, જેમ કે બાઇકનું સાઇનિંગ વગેરે, પ્રોટેક્શન વગેરેનું એમ છે એનું, અને મેન્ટેનન્સનું દરેક વસ્તુ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. અહીંયા અમે ઇન્સ્યોરન્સ રિન્યુઅલ પણ કરવાના છે અને ઇન્સ્યોરન્સ રિન્યુઅલની સાથે સાથે ઇન્સ્યોરન્સ રિન્યુઅલ કરીને જે એક્સિડેન્ટલ વર્ક છે એ પણ અહીંયા અમે પ્રોવાઈડ કરવાના છે. સાથે સાથે અમારું ટાર્ગેટ અહીંયાથી કસ્ટમરને બને એટલું ઝડપી બેટરી એમ બધું પ્રોવાઈડ કરવાનું છે, જેથી કસ્ટમરને કોઈ અસુવિધા ના થઈ શકે. અને અમે બધા જ ઓરિજિનલ સ્પેરના જ યુઝ કરીએ છીએ, જેથી કસ્ટમરનો ટ્રસ્ટેડ અને કંપનીને
દરેક બંનેનો બોન્ડિંગ એક સરખું જળવાઈ રહે। शहर के वासना रोड पर स्थित रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट में मीटर जलने की वजह से आग लग गई। हालांकि किसी भी तरह की जान हानि की खबर नहीं है। आग लगने की खबर मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच आग पर काबू पा ली। बड़ौदा के वासना रोड पर स्थित रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट के डी टावर में बिजली के मीटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आसपास के निवासियों के बीच भागदौड़ मच गई थी। इसी घटना के चलते दमकल विभाग को जल्द से जल्द सूचना दी गई थी, जिसके बाद वड़ीवाड़ी के लश्कर द्वारा आग पर काबू पाने का काम शुरू कर दिया गया था। इस शॉर्ट सर्किट की घटना के कारण डी टावर के अपार्टमेंट का बिजली का मीटर भी जलकर राख हो गया था। आग पर काबू पाने के बाद दमकल विभाग के जवानों ने जानकारी देते हुए बताया था कि जब रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट के डी टावर में आग लगी थी, हमारा वाहन वहां तक समय पर नहीं पहुंच सका था, जिसकी वजह से हमें काफी समस्या भी हुई थी, क्योंकि रिद्धि सिद्धि अपार्टमेंट के बिल्डर द्वारा ये बिल्डिंग को नासमझी में खड़ा किया गया था। इस स्थान तक हमारा वाहन नहीं पहुंच पाया था, जिसकी वजह से हमें दिक्कत भी हुई थी। हमारा वड़ीवाड़ी फायर ब्रिगेड फोन आया तो डायरेक्ट कि भाई वासना रोड नी सामने रिद्धि सिद्धि टावर है, एमा आग लगी है। अमे अहीं आया तो वासना रोड ने सामने रिद्धि सिद्धि डी टावर में मीटरों में आग लगी थी। અમે આયા પછી આગ બાગ ઓલવી પછી જીબીવાળા આવીને કામગીરી જીબીને ચાલુ છે। તો કારણ તો જાણવા મળ્યું નથી, પણ શોર્ટ સર્કિટથી મીટરોમાં આગ લાગી જાય, એટલે શોર્ટ સર્કિટ કે ઓવરલોડિંગના કારણે આગ લાગી હશે। બિલ્ડિંગની અંદર ડી ટાવરો છે, તો પહેલાં ટાવર સુધી તો આવી ગઈ, પણ ત્યાં ટાવરને ત્યાંથી અમારી ગાડીને ટર્ન લેવા માટે એટલે જગ્યા જ ફાળવેલી નથી। બિલ્ડિંગની અંદર ડીસીબી એક્સટ્યુએટર કે એવું ફાયર સેફ્ટીના કોઈ સાધનો છે નહીં। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की अहम खबरों पर। बड़ौदा के निजी अस्पतालों में आज से कोरोना टीकाकरण हुआ शुरू। भाईलाल अमीन समेत बैंकर अस्पताल के संचालक मंडल, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने ली कोवैक्सीन की डोज। युवा बेरोजगारी पर शहर में कांग्रेस पार्टी का हल्ला बोल, बेरोजगार हुंकार रैली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। स्थानीय स्वराज के चुनाव के चलते आम आदमी पार्टी एक्शन में, मिस कॉल नंबर के जरिए आम जनता की शिकायतें सुनने की पहल की गई शुरुआत। ये थी अब तक की कुछ अहम खबरें। कल फिर उपस्थित होंगे नए खबरों के साथ। तब तक बीआरजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।